नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऋषिकेश से आ रही इस खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने रेल विकास निगम के अधिकारियों से जगह जगह चल रहे रेल लाइन के कार्य का फीडबैक भी लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने करीब 20 मिनट तक अधिकारियों से बंद कमरे में बातचीत की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वन और राजस्व विभाग की ओर से कई स्थानों पर रेल लाइन बिछाने में आपत्ति जताई गई थी। आपको बता दें, हाल ही में लगातार हुई बारिश की वजह से कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जल्द ही रेल लाइन निर्माण कार्य में तेजी लाने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा, जितनी भी अड़चने निर्माण कार्य में सामने आ रही हैं, उनका जल्द ही निस्तारण कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि डोईवाला ऋषिकेश और यमुनोत्री उत्तरकाशी को भी ऋषिकेश रेल लाइन से जोड़ने का प्रस्ताव भी केंद्र को भेजा गया है। कि 2024 तक कर्णप्रयाग तक रेल जाएगी और उसमें रेल से वहां व्यक्ति पहुंचेंगे, तो उसमें कहीं कोई व्यवधान ना आए और उसकी तेज़ गति से जो है जो प्रगति चल रही है वो और तेज़ चले। कहीं पर अगर कोई व्यवधान है तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करें। उसी को लेकर जो है आज यहाँ पर ये समीक्षा बैठक हमने करी है। कुछ इशू हैं जो कुछ माइनिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ माननीय न्यायालय से जुड़े हुए हैं, उन सभी पर चर्चा हुई है। और जो भी हैं वन विभाग से संबंधित हैं, कुछ राजस्व से संबंधित हैं, उन सभी को हम सॉर्ट आउट करेंगे। इसमें 12 पुल बनाए जा रहे हैं, 18 टनल बनाई जा रही है और अपने आप में ये इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है हमारे लिए। मैं समझता हूँ कि पहली बार भूतो न भविष्यति, लोगों ने जो कभी सपना देखा होगा वो सपना पूरा होने जा रहा है। और उसमें राज्य सरकार पूरे तरीके से, जो भी उसमें कहीं पर किसी प्रकार की रुकावट आएगी, किसी प्रकार का कोई व्यवधान आएगा, हम सारा समन्वय करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ाती नजर आ रही है, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उत्तराखंड में खासी रुचि दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में सीएम अरविंद केजरीवाल 19 सितंबर को उत्तराखंड के तीसरे दौरे पर कुमाऊं उत्तराखंड आएंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। इस दौरान यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस दौरे पर वह कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकते हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बता दें, अपने पिछले दौरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर से कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। तो देहरादून के दौरे पर उत्तराखंड आएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर नजर आएंगे। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा बंद है, जिसके चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना देकर सरकार से जल्द यात्रा को शुरू कराने की मांग की है। इस दौरान गणेश गोदियाल ने कहा कि राज्य के 5 लाख परिवारों की रोजी रोटी चार धाम यात्रा से जुड़ी हुई है, ऐसे में सरकार का इस मामले में गंभीर होना बेहद जरूरी है। आप इसके लिए रिपोर्ट देखिए। भारी तादाद में कांग्रेसी इकट्ठा हुए और प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण की वजह से चारधाम यात्रा से जुड़े लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा सुचारू रूप से चले, सरकार को इसके लिए इंतजाम करने होंगे। उन्होंने प्रभावितों को राहत देने की भी मांग की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को चाहिए कि तत्काल कोरोना सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करते हुए चार धाम यात्रा को शुरू करने का प्लान तैयार करे और उसे हाईकोर्ट के समक्ष पेश करे, जिससे कि हाईकोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द दिशा निर्देश जारी कर सके। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से कोरोना संक्रमण की वजह से चारधाम यात्रा से जुड़े लोग बुरी तरह से प्रभावित हैं। उन्होंने प्रभावितों को राहत देने की भी मांग की है।
उन्होंने कहा है कि सरकार हाईकोर्ट में इस मामले में गंभीर होकर पैरवी करे, जिससे कि हाईकोर्ट चारधाम यात्रा को प्रदेश में जल्द से जल्द शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी करे। देखिए, बीते दिनों से जिस प्रकार से सरकार की बहुत हल्की ये कसरत नजर आती है और छद्म युद्ध सरकार लड़ रही है, झूठा दिखाने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ, इस प्रकार का सरकार का जब चरित्र दिख रहा है चारधाम यात्रा को खोलने पर, तो हम मजबूर हैं कि हम हमारे लाखों उन भाइयों के साथ खड़े हो रहे हैं कि जो साल भर से इंतजार करते हैं कि यात्रा चले और उनके साल भर का राशन पानी, उनके बच्चों की फीस, उनके जो आवश्यक खर्चे हैं उसको अर्जित हो सके। सरकार सुनने को तैयार नहीं है और जब सरकार सुनने को तैयार नहीं है तो अब जब तक सरकार इस बात को मान नहीं जाती, ठोस प्रयास नहीं करती, माननीय न्यायालय में तथ्यपूर्ण तरीके से अपनी बात नहीं रखती, हमारे उत्तराखंड की आवश्यकता की बात नहीं रखती, हम इसको लोकतांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। वहीं इस मामले में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कांग्रेस पर ही सवाल उठाए। सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा को लेकर गंभीर है और कोर्ट के दिशा निर्देशों का सरकार पालन कर रही है। हमने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी और अब हम हाई कोर्ट में पैरवी भी कर रहे हैं। कांग्रेस बौखलाई भी है और इस समय उसको ये भी ध्यान नहीं है कि जो मामले न्यायालय के विचाराधीन हो उसको लेकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास है। निश्चित रूप से मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। सब पूरे सबको मालूम है कि हम सरकार ने 1 जुलाई से जनपद स्तर चारों धामों के जनपदों में, जैसे चमोली के लोगों को बद्रीनाथ का, रुद्रप्रयाग के निवासियों को केदारनाथ, और गंगोत्री यमुनोत्री को के दर्शन के लिए उत्तरकाशी के निवासियों को छूट देने का निर्णय लिया था। और उसके पश्चात दूसरे फेस में सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया था कि जो राज्य के लोग हैं केवल राज्यवासियों को चारों धामों में जो दर्शन करने की छूट देने का निर्णय लिया गया था। और उसके पश्चात तीसरे फेस में इसको यात्रा को खोलने का निर्णय लिया था और उसमें भी एक सीमित संख्या रखी गई थी ताकि कोविड की जो स्थिति परिस्थितियाँ हैं उससे उसकी एसओपी को भी अपना अनुपालन किया जाए और यात्रा भी शुरू हो जाए। उस समय माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इसको स्थगित कर दिया गया। सरकार ने तत्काल तत्परता से निर्णय लिया और हम लोग सर्वोच्च न्यायालय गए। सर्वोच्च न्यायालय में काफ़ी दिन तक जब ये इस पर सुनवाई नहीं हो पाई, अंततः सरकार ने निर्णय लेकर के वापस भी माननीय उच्च न्यायालय में वापस उसी केस को आगे बढ़ाने की बात की, जिस पर तारीख लगी हुई है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत जल्द से जल्द यात्रा शुरू कराने की कवायद की जा रही है। चारधाम यात्रा खोलने को लेकर आज कांग्रेस एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन की जानकारी कांग्रेस ने पहले ही सरकार को भी दे दी थी। और बड़ी चीज ये है कि ये प्रदर्शन जो है वो विधानसभा भवन के बाहर किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे, ये विधानसभा भवन है उत्तराखंड का, जहां तमाम जो विधायक हैं वो अपनी बातें रखते हैं और कुल मिला के अपने क्षेत्र की समस्या रखते हैं। लेकिन आज कांग्रेस उसी विधानसभा भवन के बाहर पहुंची है, एक विरोध प्रदर्शन कर रही है और इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण है देवस्थानम बोर्ड को भंग करना और इसके साथ ही चारधाम यात्रा को उत्तराखंड में एक बार फिर से शुरू करना। लेकिन बड़ी चीज यह है कि सैकड़ों की तादाद में पहुंचे कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता है वो यही मांग कर रहे हैं कि चारधाम यात्रा है वो जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। और आप देख सकते हैं मंच अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मौजूद हैं, उसके साथ ही संगठन के सभी को हमारे बीच में इंटर प्रदेश अध्यक्ष उपस्थित है, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन, हमारे बीच में संग्राम सिंह पुंडीर जी नजर आ रहे हैं उपस्थित है, गगन कक्कड़ जी, विपक्ष अब सड़कों पर उतर रहा है देवस्थान बोर्ड को बंद करने और चारधाम यात्रा खोलने को लेकर, तो इसका कितना फायदा इनके प्रदर्शन का सरकार पर होता और किस तरीके से अब सरकार क्या चारधाम यात्रा खोलती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। देहरादून से सुभाष कौर, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए। वहीं उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के उत्तराखंड आगमन पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष गणेश जोशी व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने भव्य स्वागत किया। इसके साथ ही नवनियुक्त राज्यपाल के आगमन पर पुलिस द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर गढ़वाल कमिश्नर रविन्द्रनाथ रमन, डीआईजी नीरू गर्ग, जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर आर राजेश कुमार, एसएसपी जन्मेजय खंडूरी आदि उपस्थित रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं नवनियुक्त राज्यपाल के आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। देहरादून की तस्वीरें हैं जहां पर तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे।
लालकुआ के हल्दू चौड़ में पिछले 7 सालों में 31 बेड के अस्पताल का निर्माण हो रहा है, जो कि 7 साल पूरे हो जाने के बाद भी अब तक बनकर तैयार नहीं हो सका। आपको बता दें, क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने फरवरी 2021 में अस्पताल का उद्घाटन करने का दावा भी किया था, पर ना ही अस्पताल का निर्माण पूरा हो सका और ना ही उनका दावा। वहीं अस्पताल शुरू ना होने के चलते लोगों को इलाज के लिए दूसरे शहरों में भटकना पड़ रहा है। वहीं अब अस्पताल का निर्माण पूरा ना हो पाने के चलते अस्पताल पर राजनीति भी शुरू हो गई है। इसी के चलते कांग्रेस नेता हरेंद्र सिंह बोरा ने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लापरवाह बताया है। वहीं निर्माणाधीन अस्पताल की देखरेख कर रहे सुपरवाइजर उस्मान अली ने बताया कि अस्पताल के निर्माण कार्य के लिए कार्यदायी संस्था को संबंधित विभाग द्वारा पैसा नहीं दिया गया, जिसके चलते निर्माण कार्य में देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि अस्पताल का पैसा अगर समय पर मिल जाता तो अस्पताल बनकर तैयार हो जाता। उनका कहना है कि विभाग द्वारा पैसा नहीं भेजा जा रहा, जिसके चलते निर्माण कार्य में देरी हो रही है। तो 7 सालों से अस्पताल बन रहा है, लेकिन आज तक बनकर तैयार नहीं हो पाया, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि क्षेत्रीय विधायक ने दावा किया था कि 2021 में इसका लोकार्पण कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक अस्पताल शुरू भी नहीं हो सका है। पूरा मामला ये है सर, जब पेमेंट ही नहीं मिलेगा बिल्डर को तो बिल्डर कहाँ तक लगाएगा? विभाग विभाग वाले, विवेक चौधरी नाम है उनका, पैसा कौन नहीं दे रहा? विभाग कौन नहीं, विभाग वाले बिल्कुल वाले नहीं दे रहे सर। विधायक जी तो बोले थे पैसा जारी कर रहे हैं। विधायक जी के सामने बात हुई थी सर, ये बात तो विधायक जी ने बोले कि जब आप इन्हें पैसे ही नहीं दोगे तो काम कहाँ से करेंगे बेचारे, अपनी जमीन बेच के थोड़ी लगा देंगे। विधायक जी ने क्या कहा? विधायक जी बोले पैसे दो, काम स्टार्ट कर देंगे। तो पैसे क्या हुआ अभी? अभी तक सर कुछ नहीं मिला। कितने साल से दिक्कत आ रही है? सर ये 2.5 साल हो गए, अभी तक पेमेंट नहीं हुई है। 2.5 साल जब सर पेमेंट नहीं होगा तो कहाँ से लेबर मिस्त्री काम करेंगे? भूखा थोड़ी कर लेंगे, और वो अपनी बिल्डर जो अपनी जमीन बेच के सर थोड़ी लगा देंगे, ये बताओ। मतलब कुल मिला पैसे नहीं मिलने की वजह से सर, और विभाग वाले ने दूसरे जो है दूसरे ठेकेदार बुला लिए। अब दूसरे ठेकेदार, अब सर मैं ही हूँ, अगर मेरा पैसा नहीं निकले, अब कोई मिस्त्री और आगे काम करने लगे तो मैं कैसे करने दूंगा सर? जब मेरा पैसा सर निकलेगा तभी तो मैं कर दे दूंगा। तो मतलब अभी तक पैसा नहीं? अभी सर अभी तक कोई पैसा नहीं मिला। कोई उम्मीद लग रही है मिलेगा कुछ? सर आप देखो, उम्मीद तो कुछ नहीं अभी लग रहा भाई। कांग्रेस सरकार में स्वीकृत जो 30 बेड का जो अस्पताल था हल्दू चौड़ में जो स्वीकृत हुआ था, और उसका निर्माण कार्य भी चालू हो गया था, लेकिन अकस्मात ऐसा हुआ कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार पर काबिज हो गई, और सरकार पर काबिज होने के बाद वहाँ पर अस्पताल का कार्य बिल्कुल रुका पड़ा है। तो जब यहाँ के लोग जो है जनप्रतिनिधि वगैरह और भी लोग जो ये क्षेत्रीय विधायक के पास यहाँ पर गए, तो उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा और जो कार्यदायी संस्था है और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आज 4-5 महीने बीतने के बाद भी, विधायक जी के कहने के बाद भी, कोई उसमें एक्शन नहीं हुआ है। और देखिए आप, स्थिति इतनी गंभीर होते जा रही है, कोरोना काल में भी अस्पतालों की जब ज़रूरत है, लोग जो है अपने पैसों से भी लोगों का इलाज कराने के लिए टेम्परेरी अपने हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो ऐसे में इस सरकार ने जो है लोगों को मारने का काम किया है। हमारी सरकार से अविलंब मांग है कि कार्यदायी संस्था और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा कराया जाए, और जिससे कि क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा हो, तुरंत अविलंब जो है उस अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा कराया जाए। वही पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में स्कूली छात्र छात्राओं को महिला संबंधी अपराध, लैंगिक बाल अपराध, गुड टच बैड टच, साइबर अपराध और नशा मुक्ति के संबंध में जन जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में आज थाना अध्यक्ष संतोष पैथवाल के द्वारा सतपुली के सभागार में छात्र छात्राओं के साथ एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर थानाध्यक्ष ने कहा कि विद्यार्थी हमारे देश के भविष्य और कर्णधार हैं, ऐसे में स्कूली छात्र छात्राओं को लैंगिक बाल अपराध, साइबर अपराध और नशा मुक्ति के संबंध में जागरूक किया जाना अति आवश्यक है, जिससे हमारे नौनिहाल ऐसे गंभीर अपराधों से सुरक्षित रह सके। इसके साथ ही थानाध्यक्ष ने ड्रग्स जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत स्लोगन पोस्टर प्रतियोगिता में स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगे भी स्कूली छात्र छात्राओं के साथ ऐसे सेमिनार आयोजित किए जाएंगे। तो नशा मुक्ति और बाल अपराध को रोकने के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां पर थाना अध्यक्ष ने बच्चों से वो मुखातिब हुए और उन्होंने जरूरी बातें उनसे की हैं। तो गढ़वाल की तस्वीरें हैं जहां पर नशे को रोकने के लिए और बाल अपराध को रोकने के लिए गुड टच बैड टच पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, जहां पर थाना अध्यक्ष मौजूद रहे और उन्होंने छात्र छात्राओं से संवाद किया।
हरिद्वार में शुरुआती दौर में कोरोना वैक्सीन लगवाने शहरी लोग आगे आ रहे थे, जबकि जिले के ग्रामीण इलाकों के लोग कहीं ना कहीं कम तादाद में वैक्सीन लगवाते नजर आ रहे थे। वहीं अब ग्रामीण ज्यादा सजग नजर आ रहे हैं। बता दें, हरिद्वार के बहादराबाद ब्लॉक में वैक्सीन लगाई जा रही है, जहां बड़ी तादाद में ग्रामीण वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। बता दें, बहादराबाद ब्लॉक में अभी तक करीब 95% लोगों को कोरोना के टीके की डोज लग चुकी है। जनसंख्या की बात करें तो बहादराबाद ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में 18 प्लस और 45 प्लस के लोगों की जनसंख्या करीब 3,31,000 है, जिसमें से करीब 3,15,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। शुरुआत में लोगों को वैक्सीन लगवाने को लेकर डर का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी लोग उत्साह के साथ वैक्सीन लगवा रहे हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहादराबाद के प्रभारी निरीक्षक हेमंत आर्य ने बताया कि बचे हुए लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए 6 मोबाइल टीम इस कार्य में लगाई गई है और 2 से 3 दिन में सभी को वैक्सीन लगा दी जाएगी। देखिए, भादराबाद ब्लॉक की हम लोग बात करते हैं तो हमारे ब्लॉक के अंतर्गत अभी वैक्सीनेशन का कार्य बहुत जोर शोर से चल रहा है। और अगर हम बात करते हैं कि कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लगभग हमारे पास 18 प्लस और 45 प्लस की जो एलिजिबल लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो है हमारी 3,31,000 के आसपास है। तो जिसमें से हमने 3,15,000 के आसपास लगभग हमने वैक्सीनेशन कर दिया है, तो ये करीबन 95% के आसपास हमारा अचीवमेंट हो गया है। अब इसमें कुछ गर्भवती महिलाएं हैं जो अभी रह गई हैं, और इनके लिए हम लोग विशेष तौर पे मोबाइल टीम्स के माध्यम से 5 या 6 हमारी मोबाइल टीम्स डेली लग रही हैं। और जिन क्षेत्रों में बहुत कम लोग छूटे हैं, कहीं पे 20 लोग छूटे हैं, कहीं पे 30 लोग छूटे हैं, तो उन क्षेत्रों में हम मोबाइल टीम के माध्यम से घर घर जा करके हमारी ANMs वैक्सीनेशन कर रही है। और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी विद इन 1 or 2 days हम लोग जो है अपना वैक्सीनेशन 100% फर्स्ट डोज कर लेंगे। वहीं चमोली के जोशीमठ नगर क्षेत्र के रवि ग्राम वार्ड में अचानक एक घर में रखे रसोई सिलेंडर में आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने की इस घटना में आग की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें एम्बुलेंस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोशीमठ में भर्ती करा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार दोपहर को अचानक रवि ग्राम में रह रहे नेपाली मूल के किराएदार के घर में गैस सिलेंडर में आग लग गई थी, जिसकी सूचना मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। तस्वीरें चमोली की है, जहां पर एक घर में सिलेंडर में आग लग गई और जिसके चलते 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। तो सिलेंडर में आग लगने की पूरी घटना थी, इसके चलते एक घर में रह रहे 3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। बता दें आपको, स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं रुद्रप्रयाग में पिछले एक सप्ताह से सियोड़ी टैंठी पाटा मोटरमार्ग जगह जगह पर बाधित है, जिससे लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि आम लोगों को मीलों पैदल चलकर सफर करना पड़ रहा है। वहीं बीमार लोगों को डंडी में बिठाकर किसी तरह अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि भारी बारिश के चलते बच्छड़ेसियों पट्टी के एक दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ने वाला सियोड़ी टैंठी पाटा मोटरमार्ग टैंठी से पाटा के बीच कई स्थानों पर बाधित चल रहा है। ऐसे में कई गांवों की करीब 5,000 की आबादी का संपर्क देश दुनिया से कटा हुआ है। स्थिति यह हो गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों की दुकान में सामान तक नहीं है, लोग पैदल चलकर अपने गंतव्यों तक पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब गांव में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है। ऐसे में बीमारों और गर्भवती महिलाओं को डंडी पर बिठाकर अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे हर वक्त जोखिम बना रहता है। वहीं आज उत्तराखंड क्रांति दल के युवा नेता मोहित डिमरी ने करीब 8 किलोमीटर पैदल चलकर मोटर मार्ग का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मार्ग की हालत दयनीय बनी हुई है, जगह जगह पुस्ते टूट गए हैं, मार्ग पर सफर करना जोखिम भरा है। मामले में उन्होंने नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर जल्द ही मोटर मार्ग को दुरुस्त करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने जिलाधिकारी को सड़क की स्थिति से अवगत कराते हुए जल्द ही आवश्यक कार्रवाई करने की भी मांग की है। डैठे वाला जो मोटर मार्ग है, लिंक ब्रांच वाला रोड जो है, इसके शुरू से नीचे से ही बुरे हाल है। आप यहाँ से जो अब हमारी रोड कटती है कांडे से, वहाँ से आपने देखा हो टर्न पे ही कैसे ऐसे बना रखा, ऐसा लगे चढ़ाई पे ऐसा लग रहा गाड़ी वापस आएगी पलट के, इतना गंदा वो कर रखा वहाँ पे। उसके आगे गधेरा है, गधेरे में भी बुरा हाल है।
पूरा रास्ता जगह जगह देखो अभी वहाँ के देर में पूरा आधे मीटर से ऊपर रोड साफ जा रखी है, और जबकि अभी ये दो तीन महीने चार पाँच महीने कुछ करीब हो रहा है इसको बना हुआ, और इतने में ही ये बोल चुका है। ये हाल है और हम चाहते हैं कि कुछ इसके लिए मतलब कोई कार्रवाई की जाए अच्छी से विभागों की तरफ से, जिसमें हम लोग आगे आए। आज हम बच्चन सिंह क्षेत्र में आए हैं और यहाँ पर सोनी टैठी पाटा मोटर मार्ग जगह जगह बाधित चल रहा है। टैठी से सोनी के बीच मार्ग पर भारी भरकम मलब आने के चलते आवाजाही ठप पड़ी हुई है। इस संबंध में हमारी NPCC के अधिकारियों से भी वार्ता हुई है। हमने कहा है कि जल्द इस मोटर मार्ग से मलबा हटाया जाए, क्योंकि कई वाहन चालकों की गाड़ियां अपने यहां फंसी हुई हैं। इसके साथ ही साथ यहां पर कई ऐसे लोग हैं जो बीमार भी हैं गांव में, प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाने में बहुत समस्या आ रही है। तो इन तमाम समस्याओं को देखते हुए हमने जिलाधिकारी को भी अवगत कराया है कि जल्द से जल्द मार्ग को खुला जाए, आवाजाही लायक बनाया जाए, ताकि जो लोगों को परेशानी हो रही है वो दूर हो सके। सर, हम तो यहाँ पाटा गांव में जो है, हम छः दिन से यहाँ पूरे रोड का साधन नहीं है, सब गाड़ियाँ यहाँ बंद पड़ी हुई हैं, स्लाइडिंग हो रखा, गाड़ी सब फंसी हुई हैं, और हम व्यवसाय आदमी, हमारी दुकान है गाँव में, किसी को बीड़ी चाय चीनी के बगैर लोग जो है ऐसे तरस रहे हैं, और जो है कोई हमारे पास साधन नहीं है, ना यहाँ पर जो है घोड़े खच्चर हैं, ना जो है रोड का साधन है, और हमको सरकार से यही उम्मीद है कि ये वो तुरंत खुला जाए। यहाँ टैठी से ऊपर जो है पूरे रास्ता जो है यहाँ बंद है और गाड़ियाँ हमारी फंसी हुई हैं, गांव के नीचे जो है काफ़ी स्लाइडिंग हो रखा है, और जिससे कि गाड़ी उस तरफ ना इधर आ सकती ना जा सकती हैं। कांडे से यहाँ तक जो है मतलब 12 किलोमीटर है, यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था जो है रोड की सब खराब हो रखी है। टैठी से ऊपर कोई जैसे भी यहाँ ना आती है ना आ रही है। सरोवर नगरी नैनीताल में हर्षोल्लास के साथ नंदाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है, जहां देर रात तक मूर्ति निर्माण के बाद आज मां नंदा सुनंदा प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्तों को दर्शन के लिए विराजमान हो गई हैं। आपको बता दें, सुबह 3 बजे मां नंदा सुनंदा की पूजा अर्चना शुरू कर दी गई थी, जिसके बाद पंडित आचार्य भगवती प्रसाद जोशी ने पूजा अर्चना कर माता के दरबार को भक्तों के लिए खोल दिया। वहीं मां के दर्शनों के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। वहीं इस दौरान कोविड नियमों का पालन करते हुए 50-50 लोग करके ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया। तस्वीरें नैनीताल से हैं, जहां मां नंदा सुनंदा के जयकारों से सरोवर नगरी गूंज उठी है। तो नैनीताल की तस्वीरें हैं, जहां पर मां नंदा सुनंदा के हर्षोल्लास के साथ पर्व मनाया जा रहा है। नंदाष्टमी का ये पर्व है, जहां पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ कोविड के नियमों का भी पालन किया जा रहा है, जिसको लेकर 50-50 लोग ही एक एक कर जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस सब के बीच पंडित आचार्य भगवती प्रसाद जोशी ने पूजा अर्चना कर माता के दरबार को भक्तों के लिए खोल दिया है। माँ के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुँचना शुरू हो गया था। इस दौरान कोविड के नियमों का पालन किया गया है और पूरा इलाका मां नंदा सुनंदा के जयकारों से गूंज रहा है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।